स्टोरेज हम सब के जीवन का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, चाहे वो मोबाइल में फोटो के लिए स्टोरेज या फिर बैटरी की स्टोरेज पावर बैंक से। एक टाइम था दोस्तों जब एक फोटो की हार्ड डिस्क एक ट्रक में फिट आ पाती थी, बट हमारे पास मेमोरी कार्ड्स हैं, उसके बाद हमारे पास पेन ड्राइव देखने के लिए मिल जाते हैं। इसका अगर आपको अपग्रेड करना है तो आप अपने कंप्यूटर के अंदर एक फिजिकल हार्ड डिस्क डाल सकते हो, उसके बाद हमारी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आ जाती है। ये भी काफी बढ़िया रहती है, इनको मल्टीपल लोग यूज कर सकते हैं, बट इनमें भी स्पीड नहीं आती। अब SSDs काफी यूज होने लगी है, बट SSD में एक दिक्कत है, वो है कि आपको स्पेस ज्यादा नहीं मिल पाता। उनको टक्कर देने के लिए ये वाली बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क होती है। बट दोस्तों ये सारी हार्ड ड्राइव ने हमको धोखा दिया, बेसिकली धोखा नहीं दिया, हमारे लिए सब कम पड़ गई है। अब आ गया टाइम एक ऐसी हार्ड ड्राइव से मिलने का जो है सब छोटे छोटे बच्चों को पीछे छोड़ दे। आज थोड़ी बड़ी अनबॉक्सिंग करी जाएगी। अभी तक का ये हमारा सबसे बड़ा सर्वर है। कैसा लग रहा है आपको? आपकी सारी स्टोरेज की नीड खत्म होगी। अच्छा लग रहा है। आपका स्टडी मटेरियल सारा सेफ रहेगा। सारा खुशी हो रही है आपको? बहुत, दिख नहीं रही शक्ल पे। वेलकम दिखा रहा है। ये बेसिकली कुछ पेपर है और ये हमारी हार्ड ड्राइव। सारी पानी वाली खोल देंगे। ये हार्ड ड्राइव के कैबिनेट्स हैं जिनमें आप अलग अलग हार्ड ड्राइव्स लगा सकते हैं। ये वाला डिफरेंट इसलिए भी है क्योंकि इसमें दो थंडरबोल्ट पोर्ट्स हैं और ये वाले जो पोर्ट्स हैं आपको काफी नॉर्मल से लगेंगे, बट एक्चुअली ये 10 गीगाबिट ईथरनेट वाले पोर्ट है। अब आ गया है असली टाइम इसको सेटअप करने का। हम दोस्तों ये जादू विटनेस करेंगे अपने सामने। फाइनली ये है हमारी NAS, नेटवर्क अटैच स्टोरेज। इस वाली NAS में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हार्ड ड्राइव 144 TB तक एक्सपैंड कर सकते हैं। अभी हमने 100 TB के अराउंड डाल रखे हैं और काफी ज्यादा खर्च आ गया है। सागर भाई हम कितने गरीब हो चुके हैं। भाई अब तो सैलरी दे दो यार। इस वाली NAS प्लस हार्ड ड्राइव प्लस जो हमने वायरिंग करी है उसकी कॉस्ट हमको 10 लाख के अराउंड पहुंची है, जिसमें एक अच्छी खासी कार आ जाती। बट इससे हमको वेरी वेरी एक्साइटमेंट। NAS एक्चुअली काफी सारी आती है और इससे सस्ती भी आती है, बट ये महंगी इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें स्टोरेज बहुत ही ज्यादा है। ये महंगी इसलिए क्योंकि इसको आप एज एन इंटरनल हार्ड ड्राइव यूज कर सकते हो। आप लोग सोचो कैसे, हम दिखा देते हैं। ओह बीप बीप बजने लगी, इसका मतलब समझते हो दया? समझते हो? हाँ भाई। क्या समझ? दिल के तार जुड़ चुके हैं। Exactly! दिल के तार 100% कनेक्टेड। अभी हमने इस NAS को अपने Mac Mini के अंदर लगा रखा है। 1, 2, 3 और जैसे कि आप देख सकते हैं भाई, रीड स्पीड 1000 MBPS के आराम से ऊपर जा रही है और राइट स्पीड भी हमारी भाई 900 MBPS तक टच कर रही है। भाई जिन लोगों को आइडिया नहीं लग पा रहा है, जो हमारी नॉर्मल एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स होती हैं, इसमें 50 से 80 MBPS तक स्पीड आपको देखने के लिए मिलती है और इससे 10 टाइम से भी ज्यादा स्पीड इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी। ये स्पीड इतनी ज्यादा है कि आपकी लैपटॉप की ओरिजिनल हार्ड ड्राइव से भी ज्यादा फास्ट ये काम करती है। ये जितने भी स्लॉट्स हैं इनमें 16 TB की हार्ड डिस्क पड़ रखी है। इसी 8 हार्ड ड्राइव इसमें चल सकती हैं। और इसमें फायदा क्या रहता है कि यूजुअली जब भी आप अपने कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगाते हो या फिर एक्सटर्नली अटैच करते हो तो एक बार में एक ड्राइव ही चलती है, बट इसमें एक टाइम पे 8 की 8 हार्ड ड्राइव एक साथ चलती हैं, तो आपकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और इस स्पीड के साथ साथ इसमें एक बहुत ही तगड़ा फीचर है, इस हार्ड ड्राइव को 50 से भी ज्यादा लोग एक बार में यूज कर सकते हैं। और इसको अगर आप चाहो तो डायरेक्टली थंडरबोल्ट से या USB से कनेक्ट कर सकते हो, बट उसमें थोड़ा झंझट बढ़ जाता है। इसको सारे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए हमको ये सारी वायरिंग करनी पड़ी है और ये वाली वायर्स डायरेक्ट सारे वर्क स्टेशन तक जा रही हैं और इन सब वर्क स्टेशन में वेरी वेरी हाई स्पीड आ गई है। ये तारे बेसिकली हर जगह है, यहाँ पे भी एक है, फिर उसके बाद यहाँ पे भी एक तार है, इसमें भी एक तार है और इसमें से आप किसी को भी अपने लैपटॉप में कनेक्ट करोगे, सब 100 TB स्टोरेज एक बार में यूज कर पाएंगे। जैसे सारे लैपटॉप्स हैं, इस वाले लैपटॉप में हमने कनेक्ट कर दिया है और अब इस लैपटॉप में भी 100 TB की स्टोरेज आप आराम से एक्सेस कर सकते हो और इसकी जो इंटरनल हार्ड ड्राइव है उससे ज्यादा तेज इस पोर्ट से स्पीड इसके अंदर आती है। बेसिकली फाइनल क्वेश्चन ये कि इतनी स्पीड के साथ क्या करा जा सकता है। सबसे पहली चीज, आप इसमें कोई भी गेम इंस्टॉल कर सकते हो, जैसे अभी हमने GTA 5 सर्वर पे इंस्टॉल करी हुई है। अभी आप देख पा रहे हो भाई गेम एकदम स्मूथ चल रहे, कोई भी लैग नहीं है। इसकी अपनी हार्ड डिस्क में इतनी स्मूथ चलती है, उससे ज्यादा ही स्मूथ चल रहे। उसके साथ साथ इस कंप्यूटर में कोई स्टोरेज स्पेस भी नहीं ले रही और ये गेम एक्ट
एक्चुअली कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है, तो आप लिटरली किसी भी लैपटॉप में जो इस गेम को चला पाए उसमें चला सकते हो। भाई इस वाले लैपटॉप में मेरे को GTA 5 इंस्टॉल भी नहीं करनी पड़ी। GTA 5 जैसी हजारों गेम हम इंस्टॉल करके रख सकते हैं सर्वर पे और उसको यहाँ पे बैठा कोई भी बंदा खेल सकता है। तो ऑफ कोर्स बड़ी गेम खेली जा सकती है, बट जैसे कि आप देख सकते हो हमने इस वाले में CS 1.6 चला रखी है और उस वाले लैपटॉप में भी पुरानी यादें ताजा कर ही रहे तो गेम थोड़ी आगे भी खेल ली जाए। द बेस्ट गेम ऑफ ऑल टाइम। ओहो हो, पिटाई होगी, बट कोई बात नहीं दोस्तों। काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं, 300-400 GB के प्रोजेक्ट होते हैं जो काफी सारे लोग मिलके एक बार में करते हैं जिनके ऊपर काम, और वो चीजें करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है क्योंकि सारी चीजें सर्वर पे स्टोर्ड रहती हैं। और जो भी लोग वीडियो एडिटिंग करते हैं 3-4-5 लोग एक सेम टाइम पे एक प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं और ये हमारे लिए काम काफी ज्यादा आसान कर देती है। ये वाली हमारी नॉर्मल सी वीडियो है, इसका पूरा साइज 3 GB है। अगर 3 GB वाली फाइल को हम नॉर्मल हार्ड डिस्क में कॉपी करते हैं 1, 2, 3 तो ये हो गया है 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड। इसमें दिखा रहा है अबाउट अ मिनट रिमेनिंग। हमको 3 GB की फाइल कॉपी करने में 55 सेकेंड लगे। अभी सेम चीज अगर हम सर्वर पे कॉपी करें 1, 2, 3 1, 2, 3 भाई लिटरली हमको स्टॉप वॉच दबाने में 2 सेकंड लग गए थे बट इसने 3 सेकंड में ऑलमोस्ट पूरा कॉपी कर दिया था। हमको एडिटिंग करनी होती है, उसके बाद आफ्टर इफेक्ट्स, उसके बाद फोटोशॉप, सारी चीजें एक बार में, सारी फाइल्स भी सर्वर पे स्टोर हो जाती हैं और अब डायरेक्टली सारी चीजें सर्वर से रन भी कर सकते हैं। इसी वाली है, इतनी सारी फुटेज एक ही बार में बड़े आराम से कंफर्टेबली स्क्रॉल कर सकता हूं और इसमें बिल्कुल भी लैग नहीं आ रहा है और ये पूरी 4K फुटेज है। ये वाली हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव आप बोल सकते हो, ये इंडिया में इसका मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। हमने इसको खुद इंपोर्ट कराया है ताइवान से और इसको आने में भी ऑलमोस्ट 1 महीना लगा। इसके जो केबल्स हैं वो भी इंडिया में मिलना बहुत मुश्किल है, इसके अडैप्टर्स हैं, इसकी सारी चीजें भाई बहुत ही ज्यादा मुश्किल से हमने अरेंज करी है और इस सारा सेटअप करने में हमको 2 महीने का टाइम लग गया। बट दोस्तों आपके लिए हम नई से नई टेक्नोलॉजी लाते रहेंगे, हम खुद भी उसको इस्तेमाल करेंगे और आपको भी बढ़िया बढ़िया चीजें दिखाते रहेंगे। और इतना था इस वाली वीडियो के लिए, होपफुली आपको मजा आया हमारी स्टोरेज सेटअप में, और अगर आओ तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो चैनल को और हम आपसे नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।